आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं डायरेक्टर प्रकाश झा से। जी हाँ, प्रकाश झा जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर लाइव आए तो उन्होंने कई सारी बातें हमारे साथ शेयर की। उन्होंने अपनी वेब सीरीज आश्रम के बारे में बात की। आखिर बाबा निराला के किरदार के लिए क्यों की बॉबी देओल की कास्टिंग, इस पर भी बात की। आखिर कैसे धर्मगुरु बने बॉबी देओल के गेटअप पर हुआ काम, इस पर भी बात की। इन सब के अलावा प्रकाश झा ने स्पिरिचुअल गुरुओं की विरासत और हिंदू धर्म के बारे में भी खास बात की है। आप भी देखिए। तो सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो प्रोमो है बहुत कमाल का है, खूब बातें हो रही हैं। थोड़ा सा आपके शब्दों में आश्रम जो आप रिवील कर सकते हैं ताकि दर्शकों का की रुचि भी बनी रहे। हमने कुछ दिनों पहले एक डिस्क्लेमर बताया था और डिस्क्लेमर में ये कहा था कि हमारी अपनी जो परंपरा है, धर्म है, जो हमारी स्थापनाएं हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, उनकी इतनी बड़ी धरोहर और इतना गौरवशाली हमारा हमारी थाती है, इसको बदनाम करने के लिए कुछ क्रिमिनल लोगों की आस्था के साथ मजाक बनाने के लिए ये रूप धारण करते हैं और हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, हमारे गुरुओं को बदनाम करते हैं, हमारी परंपरा, हमारे जो ये धरोहर है इसको बदनाम करते हैं। ये हमने डिस्क्लेमर दिया था कुछ दिनों और वो वाकई वही है जो हमारे सामने ये कहानी मैक्स प्लेयर लेकर के आए थे। अभी फजल की लिखी हुई कहानी थी, बड़ी विस्तृत कहानी थी, जिसमें कि हम किस तरह से आम इनोसेंट हमारे लोग हैं, हम धर्म में ईश्वर में विश्वास करते हैं और हम कैसे अंधे विश्वास करने, क्योंकि हमारा बाबा एक बार बोलता है कि भक्त तो अंधे ही होते हैं, तो हम विश्वास करने लगते हैं और हम सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं। हमारी अपनी इनसिक्योरिटी, हमारी अपनी गलती होती है ऐसा करना। ठीक उसी तरह जैसे गांव में आपने देखा होगा कि चार दवाइयों के नाम मालूम होते हैं और बंदा क्वैक डॉक्टर बन जाता है, उसके पास कोई जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके यहाँ भी लोग लाइन लगा करके सुबह से बैठे रहते हैं कि कुछ कर देगा वो। अच्छा, वो सर्जरी भी कर देता है। ऐसे आपने देखे होंगे, मैंने तो खैर उनको देखा भी है, भुगता भी है। तो इसी तरह से धर्म के मामले में, इसी तरह से विश्वास के मामले में होता है। और हम जिस आश्रम की सीरीज बना रहे हैं, उस आश्रम में जो पात्र हैं वो यही पात्र हैं और जो हमारे 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 विश्वास और हमारी आस्था को बदनाम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में ही कहानी है। इसकी कास्टिंग की बात करते हैं, आप पहली बार बॉबी के साथ काम कर रहे हैं, कैसे आपने ये बॉबी को इस अवतार में अपने इमेजिनेशन में सोचा होगा, फिर आपने कास्टिंग के लिए अप्रोच किया होगा, क्या प्रोसेस था बॉबी को बाबा बनाना, मतलब हम सबके लिए एक नया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने बनाया इसी वजह से था कि वो उसने कभी उस तरह का काम किया नहीं था और मेरे जहन में बहुत अच्छी तरह से वो जम गया कि ये काम यही कर सकता है और इसी विश्वास के साथ हमने उनकी कास्टिंग की, हमने उनके बारे में सोचा।